यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के एडवाइजर यानी कि सलाहकार ने कल एक बयान दिया है कि इंडियंस आर स्टूपिड। मरना है क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? जेलेंस्की के एडवाइजर मिखाइलो पोडोलियाक का कहना है, भारतीय बेवकूफ होते हैं, भारतीय ही नहीं चाइनीज भी बेवकूफ होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि यूक्रेन रशिया युद्ध का उन पर क्या असर होगा। अब देखो, हम लोगों पर इसका क्या असर होगा भी या फिर नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुतिन चचा ने तुम्हारी मार रखी है इतना जरूर पता है। मतलब अमेरिका की बातों में आकर युद्ध तुम शुरू कर दो और समझते तुमको हम फिरे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। पिछले कई सालों से यूक्रेन उस 16-17 साल के लौंडे के जैसे बिहेव कर रहा है जो अपने दोस्तों के बहकावे में आकर अपने से बड़े उम्र के लड़के से पंगा ले लेता है और लास्ट मौके पर वो सभी लौंडे उसे धोखा दे देते हैं। अंत में उनके बदले की मार भी उसको ही खानी पड़ती है। जेलेंस्की का एडवाइजर यहीं नहीं रुका, बंदा आगे बोलता है कि भारत आज भले ही चांद पर पहुंच गया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो समझने लगा है कि मॉडर्न वर्ल्ड आखिर क्या है। अब भी मेरे को लग रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की भी गलती नहीं है, यूक्रेन की इन्हीं हरकतों की वजह से रशिया ने इनको डंडा दे रखा है। बात समझो, अब जिस राष्ट्रपति का सलाहकार ऐसा होगा, वो जेलेंस्की हो या फिर कोई और, उसका डूबना तो तय है भैया। बात तो सही है। पोडोलियाक का ये बयान वायरल क्या हुआ कि हमारा पड़ोसी भिखारिस्तान भी इसमें कूद पड़ा। कल पोडोलियाक ने स्टेटमेंट दिया और आज सुबह 5:50 पर ही पाकिस्तान में आर्टिकल लिखे जाने लगे। दुनिया अब समझने लगी है कि इंडियंस आर स्टूपिड, और आर्टिकल लिखने वाले का नाम है मतलब इन चपटी दुनिया वालों को कैसे भी बस हमारा देश टारगेट करने को मिल जाए, इनसे खुद भले ही का बाल भी ना उखड़े। ये अभी भी दो बोरी आटा मांग कर अपना काम चला रहे हैं और हमारा चांद पर जाना भी इनको स्टुपिडिटी लगता है। खैर, पाकिस्तान कहीं इन्वॉल्व हो और अपना पोपट ना करवाए, ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है। कल भारतीयों को स्टुपिड बताने के बाद आज यूक्रेन ने यूटर्न भी ले लिया और उसको रशिया का प्रोपेगेंडा बता दिया। यूक्रेन का कहना है कि हमने ऐसा नहीं कहा, ना 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 ना, ना। बिल्कुल भी नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। रशियन आर्मी ने, रशियन मिलिट्री ने हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर भारत के सामने रखा है। ये तो मूतने लगा साला। अब देखो, यूक्रेन ने तो मूत दिया, लेकिन पाकिस्तान का आर्टिकल अभी भी वहीं पर है जिसमें वो यूक्रेन का रेफरेंस देकर हम पर कमेंट कर रहा है। सोचो कितना गंदा लगता होगा इसका राइटर अब्दुल, जिसका मानना है कि यूक्रेन कह रहा है इंडियंस आर स्टूपिड, लेकिन यूक्रेन असल में बोल रहा है नहीं नहीं ना ना ना, ये बात नहीं। ये पूरी खिचड़ी देखकर मुझे समझ आ रहा है कि आखिर क्यों कहा जाता है कि दूसरों की बातें सुनकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन की बात मानी और पुतिन चचा से लात खाई, वहीं पाकिस्तानी अब्दुल ने यूक्रेन की बात मानी और फिर यूक्रेन से ही लात खा ली। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।